हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ वाइट अंडा कड़ी की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है और बनाने में और भी आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 उबला हुआ अंडा लिया है और एक चाकू की मदद से सारे अंडे में कट लगा लेंगे ताकि अंडे फ्राई करते वक्त इसकी तेल का छींटे ना उड़े। तो इस तरीके से हमने सारे अंडे में कट लगा लिया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे भर के हमने तेल ऐड किया है। तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो अब तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम अंडा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अंडे को फ्राई करना है। तो ये देखिए, 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने अंडे को फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल के एक बोल में रख लेते हैं। तो अब इसी कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेते हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है, सिर्फ प्याज को पकाना है। तो हल्का कलर चेंज आने तक हम इसे पका लेंगे। तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट में प्याज अच्छे से पक चुकी है। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने प्याज को निकाली, इसे ठंडा करके हम एक मिक्सी जार में पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, प्याज ठंडा हो चुका है, एक जार में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लिया है, जिसे फूलने के लिए डाल दिया था। तो काजू ऐड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच मगज का इस्तेमाल किया है हमने। अगर आपके पास मगज नहीं है, मस्कमेलन सीड्स, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पानी ऐड कर लिया है, इतना पानी ऐड करना है जितना फाइन पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए, हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो अब इसे साइड रखते हैं। अब सेम कढ़ाई में यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के घी ऐड किया है। तो ग्रेवी को थोड़ा रिच देने के लिए यहाँ पे हमने घी ऐड कर लिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता ऐड कर लिया है, 2 हरी इलायची है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है। तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे फ्लेवर आने तक। अब इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से हम भून लेते हैं 30 से 40 सेकेंड के लिए। तो ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। अब हमने पेस्ट बना के तैयार किया था, उसे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर लेते हैं, मिक्सी जार में जो मसाला चिपका हुआ था उसे धो के ऐड कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं और 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1/2 छोटी चम्मच वाइट पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पका लेंगे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुकी है, मसाले अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी भी थिक हो चुकी है। तो अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के दही ऐड किया है। यहाँ पे दही फ्रेश दही होना चाहिए, ज़्यादा खट्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रेवी खट्टी हो जाएगी और एग कड़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो दही को भी हमने मिक्स कर लिया है और अब इसमें अंडा हम ऐड कर देंगे। अंडे को अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पका लेंगे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुकी है, ग्रेवी के साथ अंडे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। तो अब इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी जाएगा, थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे, साथ ही 3 से 4 स्लाइड किया हुआ हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि जो भी मसाले हमने ऐड किया है वो अच्छे से ग्रेवी में इन्हेंस हो। तो अब इसे ढक देते हैं। तो ये देखिए, 2 मिनट हो चुकी है,
वाइट अंडा कड़ी बन के तैयार है। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमने सर्व कर लिया है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो टेस्टी फूड टेल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो टेस्टी फूड टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।